हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में जो तीसरा T20 मैच खेला जाएगा, इसको डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करना। अब देखो, ये जो सीरीज है आपको फिलहाल दिखेगी भाई एक एक की बराबरी पे, क्योंकि पहला जो T20 मैच था वो विन किया था जिम्बाब्वे की टीम ने, और जो सेकंड T20 मैच था दोस्तों वो बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ में विन किया था भाई इंडियन टीम ने, और जिसमें अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें एक शतकीय पारी भी देखने को मिली। और उस मैच में मैंने आपको बोला था कि अभिषेक शर्मा के साथ में आप लोग अपनी टीम में कैप्टनसी के ऊपर जरूर जाओगे, और हमने अपनी टीम में कैप्टन भी किया था। टेलीग्राम पे भी जब मैंने आपको फाइनल टीम अपडेट करी थी दोस्तों, वहां पे भी आपको बोला था कि आप लोग अपनी टीम में अभिषेक को भी कैप्टनशिप पे रख सकते हो, दूसरा आप लोग रवि बिश्नोई को या फिर किसी भी इंडियन फास्ट बॉलर को अपनी टीम में एज ए वाइस कैप्टन लेके चल सकते हो। अगर आप लोग वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करोगे दोस्तों, अगर आप लोग अपनी टीम में थोड़ा सा रिस्क उठा के प्लेयर का सिलेक्शन करोगे, तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इवन आप लोग स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के अंदर भी भाई अच्छी रैंक लेके आ पाओगे। लेकिन स्मॉल लीग में क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा सेफली खेल सकते हो भाई कॉमन प्लेयर के साथ में जाके, लेकिन अगर आप लोगों को ग्रैंड लीग विन करनी है या फिर भाई ग्रैंड लीग के अंदर आपको अच्छी रैंक निकालनी है, तो वहां पे आपको बड़े रिस्क उठाने पड़ेंगे, बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप भी करना पड़ेगा, ठीक है, कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को टीम में भी बैक करना पड़ेगा, और भाई अलग प्लेयर के ऊपर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी ट्राई करनी पड़ेगी। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि भाई अगर आपको ग्रैंड लीग विन करनी है या फिर भैया ग्रैंड लीग के अंदर अच्छी रैंक निकाल के लेके आनी है, सो आप लोगों को वहां पे थोड़े से रिस्क तो उठाने पड़ेंगे। सेफली जा सकते हो स्मॉल लीग की टीम में, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में आप लोग कभी भी सेफ नहीं जा सकते। 6-7 प्लेयर आप लोग कॉमन लेके चल सकते हो, लेकिन 4 से 5 प्लेयर आप लोग हमेशा अपनी टीम में यूनिक लेके चलोगे। तो आज के मैच में किस प्रकार टीम सिलेक्शन करोगे, कौन से प्लेयर को सेफ ऑप्शन में रखोगे, कौन से प्लेयर को आप लोग अपनी टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर ट्राई करोगे, मतलब ऐसे प्लेयर जिनका सिलेक्शन कम है लेकिन आप लोग उन प्लेयर को इस मैच में बैक करके कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हो, और वो प्लेयर अगर अच्छी परफॉर्म करेंगे तो भाई आपकी टीम भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेगी। प्लस आज के मैच में अपनी टीम में कैप्टनसी या फिर भाई अपनी टीम में वाइस कैप्टनसी कौन से प्लेयर को लेकर चलोगे, और मेन जो चीज है इंडियन टीम में आपको देखो 2 से 3 चेंजेस आज के मैच में देखने को मिल सकते हैं। क्या वो चेंजेस रहेंगे उनके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। सो वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच करिएगा। बाकी अपनी जो ट्रम्प कार्ड ऑप्शंस होती है वो किस लेवल का परफॉर्मेंस करती है वो आप लोग पिछले मैचेस में भी देख चुके होंगे, तो मैं उनके बारे में तो भाई ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करूंगा। बाकी मेरा जो मेन फोकस है वो है कि भाई आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि आपको किसी भी प्लेयर के बारे में कोई कंफ्यूजन ना बचे, और अगर आप लोग चाहो तो खुद का भी एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन यहां पे बना पाओ। सो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्किप नहीं करनी है। जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में दोस्तों तीसरा T20 खेला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल पर नए होते हैं और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप लोग जरूर से ऑन कर लेना, आने वाले किसी भी मैचेस की वीडियोस आपको मिस नहीं करनी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर से बनाए रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। देखो टेलीग्राम के साथ में अगर आप लोग नहीं जुड़े हो बहुत कुछ मिस करोगे भाई, टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ना आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉस होने के बाद कोई भी अपडेट्स होती है, फाइनल टीम में कोई भी लास्ट मोमेंट पे चेंज किया जाता है, या फिर भैया अकॉर्डिंग टू टॉस ट्रम्प कार्ड ऑप्शन आप लोग किसको लेके चल सकते हो, ये सारी चीजें आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे भी अपडेट की जाएंगी। सो कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों, सिंपली जाइए क्लिक कर लेना और टेलीग्राम के साथ में आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। मैच की बात करते हैं भाई, देखो जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में मैच खेला जाएगा तीसरा T20। पिच के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा उसका रीजन ये कि भाई देखो जो पहला और दूसरा T20 खेला गया ना वो भी सेम वेन्यू पे खेला गया था, मतलब ये जो मैच खेला जाएगा ये खेला जाएगा दोस्तों हरारे के वेन्यू पे, और पहला और दूसरा T20 भी सेम वेन्यू पे खेले गए थे। लेकिन पहले T20 में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करी थी और दूसरे T20 में इंडियन टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी। पहले T20 मैच में क्या हुआ कि जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी में केवल 116 रन करे थे, और उस मैच में भाई इंडियन टीम देखो 116 117 का जो इनको टारगेट मिला था ना उसको भी चेज नहीं कर पाई थी, इतना छोटा टोटल भी। लेकिन अपोजिट चीजें देखने को मिली दोस्तों सेकंड T20 मैच में, और मैंने आपको जब सेकंड T20 की वीडियो कवर करी थी आपको बोला था कि भाई अगर इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी ये टीम बड़ा स्कोर करेगी, कम से कम 170 रन तो आप लोग मान के चलिए, और इंडियन टीम ने स्कोर किया था भाई 234 रन का, कितना बड़ा डिफरेंस डाल दिया था आप लोग समझ पाओगे। और मैंने आपको क्लियर बोला था कि इंडियन टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर जरूर करेगी, अगर जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी भी करेगी तो भी वो टीम उतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगी जितना कि इंडियन टीम कर सकती है। जिम्बाब्वे की टीम पहले भी बल्लेबाजी करेगी तो भी आप लोग 140-150 तक के स्कोर की एक्सपेक्टेशंस करके चलना, इससे बड़ा स्कोर शायद आपको जिम्बाब्वे करते हुए ना दिखे। लेकिन अगर इस मैच में एक बार फिर से इंडियन टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो आप लोग एक बार फिर से भाई कहीं ना कहीं 170-180 रन के स्कोर की एक्सपेक्टेशंस करके जरूर से चलिएगा। बाकी पिच के बारे में आपको कोई ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखनी क्योंकि सेम है, ऑलरेडी आप लोग विकेट का बिहेवियर किस प्रकार का है वो भी देख चुके हो। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी टीम बल्लेबाजी गेंदबाजी करेगी तो आपको कौन से प्लेयर्स को रखना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया आपका टीम सिलेक्शन जरूर थोड़ा सा बेहतर बनेगा, ठीक है। तो सीधा टीम सिलेक्शन की बात करेंगे दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से, संजू सैमसन हाई चांस है इस मैच में खेलने के, और ये देखो सेकंड राउंड बल्लेबाजी करेंगे, डायरेक्ट आपको ध्रुव इज़राइल टीम से बाहर होते हुए दिखेंगे इस मैच में, ये ध्यान रखिएगा।
तो आप लोग डायरेक्ट देखो 12% सिलेक्शन में संजू सैमसन के साथ में जाइए। और मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर इंडियन की टीम यहां पे पहले बल्लेबाजी करेगी ना, तो आप लोग पहले बल्लेबाजी में संजू सैमसन को एज ए यूनिक अपनी टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी जरूर रखिएगा, ठीक है। देखो सेकंड बल्लेबाजी करते हुए भी कर सकते हो, बट सेकंड बल्लेबाजी पे बहुत सारी चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि भाई देखो फिर चीजें डिपेंड करेगी। पहली चीज तो जिम्बाब्वे कितना बड़ा स्कोर करेगी, दूसरा भाई इंडियन टीम को फिर स्टार्ट किस प्रकार का मिलता है, तो उसके ऊपर सेकंड बल्लेबाजी में थोड़ा सा चीजें डिपेंड करके चलेगी। लेकिन फर्स्ट बल्लेबाजी आपको ये मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग अपनी किसी ना किसी टीम में संजू सैमसन को एज ए कैप्टन या फिर एज ए वाइस कैप्टन जरूर से ट्राई कर सकते हो। बढ़िया प्लेयर है, सेकंड डाउन बल्लेबाजी अच्छी खासी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, आईपीएल में इनकी फॉर्म आपने देख ली होगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखो सीमा डांडे ठीक ठाक प्लेयर है, लेकिन सीमा डांडे को मैं जब आपको प्रेफर कर रहा था जब बाकी आपको ज्यादा बेहतर ऑप्शन विकेट कीपिंग सेक्शन में नहीं मिल रही थी, लेकिन अब संजू सैमसन अपने पास में एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि ऊपर बल्लेबाजी भी करेंगे, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो उस केस में क्या होगा कि मडांडे की और जुरेल की यहां पे थोड़ा सा इंपोर्टेंस कम हो जाएगी। सो यहां से आपके पास में सेफ विकल्प में सिर्फ संजू सैमसन रहेंगे। बाकी अगर आपको ट्राई करना है भाई यहां से देखो सी मडांडे को, तो आप लोग तभी ट्राई करना जब जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करे, सेकंड बल्लेबाजी में मत करना, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे दोस्तों सिर्फ संजू सैमसन के साथ में, लेकिन यूनिक ट्रंप ऑप्शन रहेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की जब इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगी। उसके बाद में आएंगे बैटिंग सेक्शन में, देखो यहां से शुभमन गिल को टीम में बैक करेंगे क्योंकि ओपन करने वाले प्लेयर है। स्टार्टिंग के दोनों मैच उतनी बढ़िया फॉर्म नहीं है, पहले मैच में जरूर वो 30-35 के आसपास की पारी थी, लेकिन सेकंड मैच तो बिल्कुल फ्लॉप गए थे। बट बड़े प्लेयर है, एक दो मैच किसी के भी खराब जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओपन करने आएंगे। पहले बल्लेबाजी भी इंपॉर्टेंट, सेकंड बल्लेबाजी में भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो गिल के साथ में आप लोग बैक करके जरूर से चलोगे। और देखो गिल का जो सिलेक्शन है ना वो थोड़ा सा आपको कम जरूर दिखाई देगा, केवल 72% सिलेक्शन है, और इनिशियल मैचेज में मैं आपको इनका परफॉर्मेंस दिखा दूं भाई काफी हाई सिलेक्शन था, लगभग 89% पहले मैच में था। पहले मैच में कुछ खास रन नहीं आए, सेकेंड मैच में सिलेक्शन थोड़ा डिक्रीज हुआ 85% आया, लेकिन सेकेंड मैच में टोटल फ्लोप। आज के मैच में सिलेक्शन थोड़ा सा और डिक्रीज जा चुका है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि देखो गिल के साथ में आपको टीम में तो श्योर जाना है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही हो सेकेंड बल्लेबाजी कर रही हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आज के मैच में सुमन गिल को अपनी टीम एज ए ट्रंप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में भी जरूर रखेगा, क्योंकि देखो नॉर्मली आपको बता दूं स्मॉली की टीम में तो बहुत सारे बंदे पिक करके आएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है, मतलब 10 टीम बनेगी तो भाई 8 या 9 बंदे तो टीम में जरूर बैक करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत कम बंदे ट्राई करें, तो वो आप लोग कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उठा सकते हो आज के मैच में संजू सैमसन सुमन गिल को अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन करके। उसके बाद में देखो यशस्वी जायसवाल, फिलहाल सिलेक्शन केवल 7% है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं कहीं ना कहीं देखो चांस बन सकते हैं यशस्वी जायसवाल के टीम प्लेइंग 11 में उतरने के, क्योंकि भाई देखो इनके पास में 3 ऑप्शन है टॉप ऑर्डर में, सबसे पहले सुमन गिल इनके पास में, दूसरा इनके पास में अभिषेक शर्मा, तीसरा इनके पास में ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने अब तक दोनों T20 में वन डाउन बल्लेबाजी करी। अब इनके पास में ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल के, मतलब ये चार जो प्लेयर है ना, इन चार प्लेयर में से दोस्त खेलेंगे तो भाई कोई तीन ही प्लेयर, ठीक है। अगर जायसवाल को मान लीजिए टीम इस मैच में मौका देती है तो फिर भाई बाहर किसको करेगी, गिल बाहर हो नहीं सकते, टीम की कैप्टनसी करेंगे। दूसरा भाई अभिषेक लास्ट मैच ऑलरेडी शतक मार चुके, तो उनके मुझे बाहर होने के चांसेस नहीं दिखते, चांसेस बनते हैं सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ के। लेकिन गायकवाड़ भी लास्ट मैच अच्छी पारी ऑलरेडी खेल चुके, 50+ रन करे, 77 के समथिंग कुछ पारी थी, वन डाउन बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या जायसवाल वन डाउन बल्लेबाजी कर सकते भाई, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, ठीक है। और टीम अगर जायसवाल को ओपन करवा दे तो फिर भाई वन डाउन कौन आएगा, या तो फिर सुमन गिल आए वन डाउन, या फिर भाई अभिषेक शर्मा वन डाउन आए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बचेगा। तो हो सकता है कि टीम जायसवाल को ना खिला के भाई शायद यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में ही बैक कर सकती है, लेकिन अगर जायसवाल को खिलाएगी ना तो फिर भाई ये नहीं कंफर्म कि यहां पे बल्लेबाजी में आपको ओपनिंग कौन करके देगा और भाई वन डाउन कौन आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर जायसवाल खेलेंगे तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, फिर आप लोग डायरेक्ट अपनी टीम में बैक करके चल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिलहाल मैं ड्रॉप ही रखूंगा। अब देखो एक प्लेयर आपको दिखेगा रिंकू सिंह, रिंकू सिंह की वैल्यू कब है दोस्तों ये समझो। सबसे पहले देखो पहले बल्लेबाजी अगर इंडिया की टीम करेगी इस मैच में, रिंकू को आप लोग एक मान के चलो 10 में से 6 से 7 बंदे अपनी टीम में जरूर बैक करेंगे। और रिंकू की इंपोर्टेंस देखो फर्स्ट बल्लेबाजी में ज्यादा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लोअर ऑर्डर में आके अच्छी खासी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, और लास्ट मैच में वो 47-48 रन की इनकी पारी भी आपने देख ली होगी, कितनी लाजवाब हार्ड हिटिंग ये बंदा करके गया था। तो इंडियन टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, आप लोग रिंकू के साथ में जरूर जाओगे, इतना तो श्योर है कि रिंकू की बल्लेबाजी तो शायद आएगी ही आएगी। अब खेलने को कितने ओवर मिलते हैं भाई वो अपने हाथ में नहीं है चीजें, ठीक है, क्योंकि इतना कंफर्म है कि हिटिंग के लिए टीम रिंकू को ऊपर बल्लेबाजी में प्रमोशन तो जरूर देगी, ये ध्यान में रखेगा। सो पहले बल्लेबाजी तो रिंकू आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस है, सेकेंड बल्लेबाजी में चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ अलग चीजें ट्राई करनी है, बहुत बड़ा ही रिस्क आपको उठाना है, तो सेकेंड बल्लेबाजी में भी चाहो तो रिंकू को ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक अलग केस बन जाएगा
सेकंड बल्लेबाजी अगर आप लोग रिंकू को ट्राई करो ना, तो फिर भाई आपको इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करवाना पड़ेगा। मतलब इनके टॉप ऑर्डर के तीन प्लेयर कम से कम आपको फ्लॉप करवाने पड़ेंगे, तीन बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। और ये रिस्क कहीं ना कहीं आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि सामने देखोगे जिम्बाब्वे जैसी वीक टीम है उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। सो उतनी खराब परफॉर्मेंस की तो मैं देखो इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से नहीं कर सकता। जरूर पहले मैच में खराब परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो एक आध मैच होते हैं जो भाई खराब चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले बल्लेबाजी तो भाई रिंकू को जरूर आप लोग बैक कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद में देखो गायकवाड़ का सिलेक्शन 86 है, मैं फिलहाल गायकवाड़ को बैक कर रहा हूं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि जायसवाल खेलेंगे या फिर ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे। वो टॉस के बाद जब फाइनली प्लेइंग 11 आएगी निकल के, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग कौन खेलेगा, किसको रखोगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल हम लोग बैक करके चलेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में। उसके बाद में नीचे देखो डब्ल्यू माधवीर ठीक ठाक प्लेयर है, लास्ट मैच 43 के समथिंग कुछ इन्होंने रन करे, 39 गेंद के आसपास इन्होंने बॉल फेस करी थी। और भाई बाकी अगर प्लेयर के साथ में कंपैरिजन करोगे जिम्बाब्वे के, तो यहां पे माधव वीरा ने अच्छी खासी बल्लेबाजी करी। अगर देखो यहां पे बल्लेबाजी पहले करती है जिम्बाब्वे की टीम, तो आप लोग कोशिश करना कि इनके बल्लेबाजों को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करो अपनी टीम में, क्योंकि गेंदबाजी से फिर सेकंड गेंदबाजी में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बचेंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, ये छोटे छोटे लॉजिक है भाई जो आपके लिए काम करके जाएंगे, जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मतलब जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करेगी, मेनली टारगेट करो इनके बल्लेबाजी या फिर ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा। अगर गेंदबाजी पहले करते तो फिर आप लोग एक एक्स्ट्रा गेंदबाज अपनी टीम में बैक कर सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माधव वीरे के साथ में आप लोग जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, अच्छे प्लेयर है, लास्ट मैच में भी ठीक ठाक पारी खेल के जरूर गए हैं। उसके बाद में नीचे आओगे रियान पराग, देखो भाई डिपेंड करता है टोटली मैच सिचुएशन, ठीक है। इंडियन टीम स्टार्ट किस प्रकार का करती है पहली चीज, दूसरा भैया अगर जल्दी विकेट गिरेंगे तो यहां पर रियान पराग आपके लिए एक यूनिक ऑप्शन बन सकते हैं। बट एक चीज आपको बताऊं, रियान पराग के कहीं ना कहीं इस मैच में गेंदबाजी करने के भी चांसेस थोड़े से हाई है, क्योंकि पांचवी जो बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे इनके पास में अभिषेक शर्मा, दूसरा भाई रियान पराग, तीसरे आज के मैच में शिवम दुबे के साथ में टीम उतरेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी ऑप्शन है गेंदबाजी सेक्शन के अंदर। यहां पे तीन ऑप्शंस मिलेगी, फिर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन के अंदर कौन कितने ओवर डाल के जाएगा वो कंफर्म नहीं है, बट बल्लेबाजी रियान पराग के टोटली मैच सिचुएशन पर डिपेंड करके चलेगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, पहले बल्लेबाजी रख सकते हो, सेकंड में तो शायद उतना काम आपके ना भी आए। उसके बाद में नीचे आएंगे तो देखो आपके पास में इनोसेंट किया के ऑप्शन है, उतने कुछ खास प्लेयर है नहीं, दोनों मैच टोटली फ्लॉप ही है। डी मेयर्स दोनों मैच में फ्लॉप, जोनाथन कैंपबेल फिफ्थ डाउन के आसपास बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। इनमें से कोई भी प्लेयर उठाओ तो भाई बहुत बड़ा रिस्क रहेगा, ग्रैंडे की टीम में ट्राई करना, स्मॉली में आपके लिए टोटली रिस्की पिक्स रहेंगी। उसके बाद में ऑलराउंडर सेक्शन, यहां से सिकंदर राजा, अभिषेक शर्मा, उसके बाद में देखो दुबे का सिलेक्शन केवल 3% है, लेकिन दुबे के साथ में टीम बैक करेगी, हो सकता है कि टीम यहां से बाहर करे, या तो भाई साई सुदर्शन को बाहर करेगी, ठीक है। और लोअर ऑर्डर में तो शायद इनके पास में कोई प्लेयर है नहीं बाहर करने को, बिकॉज रियान पराग संजू सैमसन ये तो भाई खेलेंगे, तो यहां से भाई बाहर जा सकते हैं। यहां पर शिवम दुबे सीधा डायरेक्ट आपको टीम में एंट्री करते हुए दिख सकते हैं, हाई चांस है। और अगर खेलेंगे तो फिर गेंदबाजी में भी आपको विकल्प मिल जाएंगे, जो कि बीच में एक दो ओवर की गेंदबाजी भी आपको डाल के दे सकते हैं। सो यहां से आप लोग चाहो तो दुबे को रख सकते हो, बट मैं फिलहाल इनको अवॉइड करूंगा, क्योंकि बल्लेबाजी भी काफी नीचे है। दूसरा भाई ऊपर इनसे बल्लेबाजी में काफी अच्छी ऑप्शन है, चाहे वो वन डाउन की बात हो, सेकंड डाउन पे सैमसन मिल जाएंगे, थर्ड डाउन पे रियान पराग मिल जाएंगे, और इतनी नीचे बल्लेबाजी करेंगे तो आई थिंक वहां पे दुबे के कोई इंपॉर्टेंस मुझे दिखती नहीं है। लेकिन अगर मिडल में स्पिन के सामने टीम इनको ऊपर प्रमोशन कर देना, तो फिर एक अलग चीज बन जाएगी। मतलब किसी ना किसी एक टीम में आप लोग मिडल का सोच के भाई आप लोग शिवम दुबे के साथ में बैक कर सकते हो, क्योंकि स्पिन को बढ़िया खेलते हैं। और वो चीज ध्यान में रखते हुए इंडियन टीम हो सकता है कि मिडल में स्पिन के सामने शिवम दुबे को थोड़ा सा ऊपर प्रमोशन दे सकती है, तो वो चीज भी आप लोग थोड़ा सा माइंड में लेके चलिएगा। वॉशिंगटन सुंदर पूरे चार ओवर मिलेंगे, गेंदबाजी अब तक बढ़िया करी है, विकेट टेकिंग गेंदबाज बन के निकले, जरूर बैक करेंगे, फिर से चार ओवर आपको पूरे मिलेंगे। उसके बाद में बेनेट, देखो लास्ट मैच में अच्छी हिटिंग करके गए थे, पहले ही मैच में मैंने क्लियर कर दिया था कि बेनेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे इस पूरे T20 सीरीज के अंदर, ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस थी, हालांकि गेंदबाजी कम करवा रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर चार ओवर शायद ना डाले, लेकिन बल्लेबाजी में ठीक ठाक है, 20-30 रन की पारी खेल के दे जाए, वो भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट आपके लिए बन जाएगी चीजें। उसके बाद में नीचे कुछ खास ऑप्शंस नहीं मिलेगी। बॉलिंग सेक्शन में आओगे, सबसे पहले रवि बिश्नोई, अवेश खान, और यहां से भाई देखो मुकेश के साथ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन टीम फेवरेट टीम है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। दूसरा देखो आपको मैंने एक चीज बोली है कि जिम्बाब्वे अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो आप लोग एक एक्स्ट्रा बल्लेबाजी इनका ले सकते हो, लेकिन बाहर किसको करोगे वो भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो चीज अपने सामने क्लियर होगी टॉस के टाइम पर, जब अपने को फाइनली पता लग जाएगा कौन टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, उसके हिसाब से जो भी रोटेशन बनेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट करूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना इस मैच के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिंक भाइयों, फटाफट जाके ज्वाइन जरूर से कर लेना, ठीक है। देखो गेंदबाजी में नो डाउट बिश्नोई ने अच्छी करी है भाई हर मैच में। उसके बाद में अवेश लास्ट मैच में भी 2 से 3 विकेट निकाल के लेके गए। नीचे आओगे मुकेश ने भी स्टार्ट बढ़िया किया था, तो आप लोगों के पास में 3 इंपॉर्टेंट चॉइस है इंडियन टीम की साइड से, आप लोग इन्हीं के साथ में उतरोगे। अगर मान लीजिए यहां पे जिम्बाब्वे पहले गेंदबाजी करती है तो आप लोग इनका एक
के गेंदबाज अपनी टीम में बैक कर सकते हो, उसमें नाम किसका आएगा मैं थोड़ा सा आपको वो चीजें क्लियर करूंगा। उस केस में आप लोग चाहो तो देखो मुकेश को टीम से बाहर भी कर सकते हो। अगर जिम्बाब्वे पहले गेंदबाजी करते तो मुकेश की जगह आप लोग एक जिम्बाब्वे का एक्स्ट्रा गेंदबाज ले सकते हो। नाम आएगा मुजारबानी का, जिन्होंने ओन एन एवरेज अच्छी परफॉर्मेंस में कहूंगा। उसके बाद में नीचे देखो रिचर्ड नकारावा बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। अगर टीम इस मैच में इनको मौका देती है प्लस अगर जिम्बाब्वे पहले गेंदबाजी करती है तो आपके लिए भाई रिचर्ड नकारावा एक ट्रंप कार्ड ऑप्शन बन के जाएंगे, ये ध्यान में रखेगा। लेकिन मेनली कब, जब यहाँ पे जिम्बाब्वे पहले गेंदबाजी करेगी तब नकारावा पे स्टार मार लेना, बढ़िया गेंदबाज है, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके पास में यहाँ से ऑप्शन है वेलिंगटन मसाकाजा, लास्ट मैच सिर्फ एक विकेट बट पूरे चार ओवर नहीं करे थे। उसके बाद में चतारा ने ठीक ठाक गेंदबाजी पहले मैच में करी थी, सेकेंड मैच पिटाई मिली और इनको मिलाना कुछ भी, ठीक है। और मैंने आपको सेकंड टी20 में क्लियर किया था कि अगर आप लोग लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेस पे जिम्बाब्वे के प्लेयर को बैक करोगे आप लोग सबसे बड़ी गलती करोगे, ये मैंने आपको सीधे सीधे शब्दों में क्लियर कर दिया था। उसके बाद में देखो जोंगवे अपने डिफरेंशियल चॉइस थे लास्ट मैच, अच्छे गेंदबाज है, विकेट नहीं मिले, चलो लास्ट मैच पिटाई हुई, लेकिन भाई अगर आपने एक चीज नोटिस करोगे तो बल्लेबाजी में 30-35 के समथिंग इन्होंने रन भी करे थे, मतलब बैटिंग बैकअप भी आपको अच्छा खासा देके जा सकते हैं। तो आप लोग इनमें से किसी भी एक गेंदबाज को रखना, लेकिन अगर नगारावा खेलेंगे तो ये आपके लिए ट्रंप बन जाएंगे पहले गेंदबाजी में जिम्बाब्वे के लिए। अभी देखोगे तो हम लोग मुकेश के साथ में ही बैक करेंगे और हो सकता है इंडियन टीम भी चेंज कर दे भाई मुकेश ऐसे प्लेयर को बाहर करके, शायद खलील के साथ में भी चले जाए तो हम लोग डायरेक्ट फिर खलील को टीम में बैक कर लेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी मेरा जो 11 प्लेयर का टीम सिलेक्शन है दोस्तों वो बनके क्रिएट हो चुका है, जो कि मैं एक बार आपको यहां से दिखा देता हूं, आप लोग देख पाओगे मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, उसमें कोई डाउट तो है नहीं कि भाई इंडियन प्लेयर ही कैप्टन वाइस कैप्टन डिजर्व करेंगे। अगर जिम्बाब्वे की टीम में कोई एक प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन डिजर्व करता है तो वो रहेगा भाई सिर्फ यहां पर सिकंदर रजा, ठीक है। इनके अलावा आपके पास में इंडियन टीम के ही प्लेयर है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में बेस्ट विकल्प के लिए। अब आप लोग ट्राई करो चाहे यहाँ पे अभिषेक को, गिल को, भाई आप लोग ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, ये टॉप चार मैं ऑप्शन लेके चलूंगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। खासकर इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तब तो आप लोग देखो टॉप 3 या फिर भाई टॉप 4 में से ही अपने कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करके रखेगा। अगर इंडियन टीम गेंदबाजी पहले करती है तो आप लोग देखो चाहो तो एक कोई भी ओपनर अपनी टीम में कैप्टन या फिर भैया कोई एक मेन गेंदबाज अपनी टीम में वाइस कैप्टन, चाहे वो फास्ट बॉलर को रख लो जो कि डेथ में भी विकेट निकाल दे, मिडल में चाहो तो आप लोग बिश्नोई के साथ में जा सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में रोटेशंस करोगे, ठीक है। बाकी और कोई चेंजेस होंगे दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मैं जरूर अपडेट करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाके आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, भाई पसंद आया होती यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियोज आपको मिस नहीं करने। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।